हरे कृष्णा एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको इंग्लिश ग्रामर का 25th चैप्टर राइटिंग ऐसे और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ्स ये हमने रीड करा था. ओके, एंड इसमें मैंने आपको हॉर्स, मैंगो ऐसे एंड माय स्कूल ऐसे, ये 3 ऐसे मैंने आपको बताए थे और आपको इंग्लिश टू फेयर कॉपी में नोट करने के लिए कहा था. ठीक है, आज मैं आपको इसका नेक्स्ट पेज पर इसका महात्मा गांधी ऐसे दिया हुआ है उसको आज हम लोग रीड करेंगे. See, this is on page number 68, Mahatma Gandhi. Here it is written, put the following sentences in order to make a meaningful paragraph. आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे कुछ sentences दिए गए हैं, ये देखिए यहाँ पर नीचे sentences हैं, but these sentences are not in the proper order. अब proper order का क्या मतलब होता है, कि जब भी हम कोई essay या paragraph लिखते हैं ना, जैसे मैंने आपको अभी my school का essay बताया था previous class में, ठीक है, तो जब भी हम लिखते हैं ना तो कोई भी सेंटेंस कभी भी नहीं आ जाता है. एक सेंटेंस लिखने का भी एक सीक्वेंस होता है कि पहले कौन सा सेंटेंस आएगा, सेकंड नंबर पे क्या सेंटेंस लिखना चाहिए, थर्ड नंबर पे क्या सेंटेंस लिखना चाहिए और एंड किसी भी ऐसे की एंडिंग कैसे होती है. ठीक है, तो ऐसे लिखने में भी सेंटेंसेस का ऑर्डर होना चाहिए. किसी भी ऑर्डर में हम सेंटेंसेस को नहीं लिखते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने इस बुक में यहाँ पर इस ऐसे में ऑर्डर वाइज सेंटेंसेस को नहीं लिखा है. ठीक है, तो आपको क्या करना है, इनको ऑर्डर वाइज इन सेंटेंसेस को आपको यहां पर नेक्स्ट पेज पर इसमें लाइंस दी हुई हैं, ये नेक्स्ट पेज पर इस तरह से लाइंस दी हुई हैं और वहां पर आपको ये करेक्ट फॉर्मेट, करेक्ट सीक्वेंस में इन सेंटेंसेस को अरेंज करना है. ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा सेंटेंस नंबर 1 होगा, कौन सा नंबर 2 पर होगा, कौन सा यहां पर, मैं ये मैंने पूरा नोट करके रखा हुआ है ये. ठीक है, बट मैं आपको यहां से बता रही हूँ कि कौन से, जो इसके प्रीवियस पेज पर बता रही हूँ 68 पेज पर जो महात्मा गांधी का ऐसे दिया हुआ है वहां पर ऑर्डर में नहीं है, तो वहां पे से मैं आपको ऑर्डर समझाऊंगी. ये देखिए इस पेज पर यहां पर ये जो सेंटेंसेस दिए गए हैं ना, ये करेक्ट फॉर्म, करेक्ट ऑर्डर में नहीं है. कभी भी कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है, जैसे फर्स्ट सेंटेंस यहां पर लिखा ना, वी कॉल हिम द फादर ऑफ द नेशन, ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा. फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा इसका, महात्मा गांधी वॉज अ पॉपुलर लीडर, ये वाला इसका फर्स्ट सेंटेंस होगा. ठीक है, तो आप, मैंने यहां पर देखिए नंबर 1 मेंशन करा ना, आप भी पहले यहां पर इस वीडियो में से इनके आगे नंबर्स मेंशन कर लीजिएगा और उसके बाद नेक्स्ट पेज पर इनको 1, 2, 3, 4 इस नंबर्स में 10 सेंटेंसेस तक आप इसको लिख लीजिएगा. ठीक है, ऑर्डर वाइज नंबर 1 सेंटेंस होगा, महात्मा गांधी वॉज अ पॉपुलर लीडर. ठीक है, सेकेंड सेंटेंस होगा इसका, ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात. वो कहाँ पर पैदा, कब पैदा हुए थे वो, 2 अक्टूबर 1869 में उनका बर्थ हुआ था और पोरबंदर गुजरात में, पोरबंदर में उनका बर्थ हुआ था. ये सेकेंड सेंटेंस है. ठीक है, थर्ड सेंटेंस है, इसके आगे आप मार्किंग करते जाइएगा. ठीक है, ये सेकेंड सेंटेंस. थर्ड सेंटेंस है, हिज फुल नेम वॉज मोहनदास करमचंद गांधी, ये थर्ड सेंटेंस है इसका. ठीक है, उसके बाद फोर्थ सेंटेंस कौन सा है इसमें, ही कंप्लीटेड हिज एजुकेशन इन इंग्लैंड, ये फोर्थ सेंटेंस है ये वाला. ठीक है, उसके बाद फिफ्थ सेंटेंस है इसमें, फिफ्थ सेंटेंस सबसे टॉप पर दिया है, सबसे नंबर 1 वाला, वी कॉल हिम द फादर ऑफ द नेशन, ये फिफ्थ सेंटेंस है इसका. सिक्स सेंटेंस है, हिज मदर वॉज अ रिलीजियस लेडी, ठीक है, उनकी मम्मी एक रिलीजियस धार्मिक लेडी थी. ठीक है, सेवन सेंटेंस है, ही वॉज अ, ये नीचे में दिया हुआ है, ही वॉज अ ग्रेट फॉलोअर ऑफ द आइडल्स ऑफ नॉन वायलेंस, वो अहिंसा, नॉन वायलेंस मीन्स अहिंसा के बहुत अनुयायी थे, अहिंसा को मानने वाले थे ना. आप गांधी जी के बारे में पता होगा कि वो अहिंसा का पालन करते थे, वो बोलते थे किसी को भी नहीं मारना, अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना, किसी को भी नहीं मारना, उसको बोलते नॉन वायलेंस. इंग्लिश में बोलते नॉन वायलेंस और हिंदी बोलते अहिंसा, हिंसा नहीं करना. तो वो उस आदर्श पर चलते थे, अहिंसा के आदर्श पर चलते थे. ठीक है, एट्थ सेंटेंस है, लास्ट वाला, ही लव द पीपल ऑफ ऑल रिलीजियंस, ये एट्थ सेंटेंस है. और उसके बाद नाइन्थ सेंटेंस कौन सा है, नाइन्थ सेंटेंस है सेकेंड वाला, ही डिवोटेड हिज होल लाइफ फॉर द गुड ऑफ पीपल ऑफ हिज कंट्री, उन्होंने अपनी पूरा लाइफ, उनकी सारा जीवन फॉर द गुड ऑफ पीपल ऑफ, उन्होंने अपनी सारा जीवन समर्पित कर दिया अपने देश के लोगों की भलाई के लिए, फॉर द गुड, गुड मीन्स अच्छे के लिए, अपने देश के नागरिकों की भलाई के लिए उन्होंने अपनी होल लाइफ, पूरा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया. ठीक है, ये नाइन्थ सेंटेंस हुआ. और टेंथ सेंटेंस कौन सा है इसमें, ही फॉट फॉर आवर फ्रीडम,
वो हमारे देश के लिए, हमारी स्वतंत्रता के लिए लड़े थे ना, वो इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए, इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए उन्होंने फाइट करी थी अंग्रेजों से, करा था ना। उसके बाद 11th सेंटेंस है, ही वॉज सेंट टू जेल सेवरल टाइम्स, वो कई बार जेल गए थे, उनको जेल भेजा गया था कई बार, ठीक है। और 12th सेंटेंस है, ही वॉज असैसिनेटेड ऑन जनवरी 30th 1948। असैसिनेटेड मीन्स उनकी डेथ कब हुई थी, जनवरी 30th 1948 में उनकी डेथ हुई थी, ठीक है। तो इस ऐसे में 12 सेंटेंसेस हैं, और ये 12 सेंटेंसेस आपको नेक्स्ट पेज पर देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाती हूँ आपको, नेक्स्ट पेज पर मैंने सीरियल वाइज 1 2 3 4 जैसे मैंने अभी आपको मार्किंग कराई ना, उसी मार्किंग के अकॉर्डिंग वन नंबर का सेंटेंस जो मैंने आपको बताया वो वन नंबर पे लिखेंगे आप, जिस सेंटेंस के आगे आपने टू नंबर लिखा है वो सेकंड नंबर पे, फिर थर्ड फोर्थ, इस तरह से करके 12 सेंटेंसेस आपको ये नीचे तक 12 सेंटेंसेस मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। एंड यू हैव ऑल्सो राइट लाइक दिस, आपको ये बुक में ही करना है, फेयर कॉपी में नोट नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर ये जो लाइन्स बनी हुई है इसमें आपको ये ऐसे को नोट करना है, ठीक है। तो ये वाला वर्क करके आपने कोड सबमिट करिएगा टाइम से, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।